हर किसी की ख्वाहिश होती है अपना नाम बनाने की, अपने शहर के नाम को दूसरे शहरों में पहचान बनाने की। कोई अपनी किस्मत से आगे बढ़ता है तो कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। आप में कुछ खास है कि इस श्रृंखला में मैं आज मिलने पहुंची हूँ वर्षनी वर्मा से, जो मिस इंडिया 2018 and 2019 का फेस है, वही मिस हरियाणा की रनर अप रह चुकी है। चलिए आज उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी में उन्होंने क्या क्या हासिल किया, कितनी मुश्किलें आई और कैसा रहा उनका ये सफर। हेलो वर्षनी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको इतने सारे मुकाम हासिल करने के लिए छोटी सी उम्र में। चलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही है। हमेशा से मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं लाइफ में कुछ अलग करना चाहती हूँ, बट मेरा एक विजन क्लियर नहीं था कि मैं कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सकती हूँ। लाइक मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते थे कि मुझे मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, आई शुड गिव अ ट्राई। तो मैंने अपना फर्स्ट एप्लीकेशन भरा मिस इंडिया के लिए, जिसमें मैं लकीली मुझे सक्सेस मिली, मैं मिस इंडिया फेस 2018-19 की विनर रही। वर्षनी, आपके सफर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आई है, क्या क्या फेस किया तुमने? प्रॉब्लम यही थी कि मेरा मिस हरियाणा का ऑडिशन था और उस दिन मुझे बहुत हाई फीवर था, तो मैं उस ऑडिशन में तो नहीं जा पाई थी, बट उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऑनलाइन ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ तक पहुँचने में किसका सपोर्ट मिला, किस किस ने हेल्प किया थी? बेसिकली मुझे मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, इवन मेरे कलीग्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में, जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। तो वर्षनी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँचने पर और आगे आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? इट्स अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक जो अचीवमेंट मुझे मेरी लाइफ में ये मिली है, एक सपना ही पूरा हुआ है मेरा। और मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है, मैं एक MBA हूँ HR में, मैं अपने प्रोफेशन को और अपने पैशन को दोनों को साथ लेके आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो, इन एडिशन टू माई जॉब आई वर्क आउटसाइड विद NGOs। Like I support environmental projects, I donate blood in donated blood bank, and I am also sponsoring a child education. वर्षनी, पता चला है कि आपको इंडिया शाइनिंग स्टार के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, यूथ इंडिया डेवलपमेंट की तरफ से मेरी अचीवमेंट्स को देखते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई एम अ सोशल वर्कर एंड मिस इंडिया फेस 2018-19 मिस हरियाणा, उसके लिए मुझे 29th को अवार्ड दिया जाएगा। आज भी हमारे शहर में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हमें अपने सपनों को जीना चाहिए, दुनिया के डर से अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी मंजिल ही तभी मिलेगी जब हम अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे और पूरा अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखेंगे। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि बेटियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए, आजकल लड़कियां बेटों से एक कदम आगे ही हैं, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये थी एक छोटी सी मुलाकात वर्षनी वर्मा के साथ। अपने सपनों को जिए, लड़कियां आज भी किसी से कम नहीं है, तो आप भी वर्षनी जैसे बनिए और देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।